पांच मुतालिबात पूरे करोगे तो कर्ज मिलेगा। आईएमएफ आईएमएफ का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा, पांच मुतालिबात रख दिए। आईएमएफ से मजीद डील करनी है तो मजीद मुतालिबात पूरे करना होंगे। आईएमएफ ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालिबा कर दिया। आईएमएफ ने पाकिस्तान से अगली डील के लिए पांच मुतालिबे पूरे करने की शर्त आयद कर दी है। टैक्स छूट का खात्मा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी भी इन शराइत का हिस्सा है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि आईएमएफ से मुआहिदा आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। टैक्स इस्तिस्ना का खात्मा और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के बिल तैयार कर लिए गए हैं। वजारत कानून कानूनी बिल्स के मसौदे को हतमी शक्ल दे रही है। करंसी रेट और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक का दायरा कार है। शौकत तरीन ने बताया कि इस साल शराय नमो 5% से ज्यादा रहेगी। गरीबों को इमदाद देंगे और इन्हें बगैर शरा सूद के कर्ज फराहम करेंगे। आइंदा 4 साल में हुकूमत 1400 अरब रुपए का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए आइंदा 4 साल में 140 अरब रुपए के कर्ज देंगे। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए रखे गए हैं और एहसास राशन के लिए 350 अरब रुपए रखे गए हैं। मुशीर खजाना ने कहा कि कोरोना के दौरान भी कारोबार को माली वसाइल फराहम किए। हुकूमत गरीबों के लिए वो कर रही है जो जरूरी था। आईएमएफ प्रोग्राम के बावजूद गरीबों की मदद करेंगे। हुकूमत का ये काम है कि समाजी फलाह के लिए काम करे, लेकिन फंड्स की कमी के बायस मुश्किल पेश आती है। हुकूमत 5% मुआशी तरक्की का हदफ रवां माली साल हासिल करेगी। मुआशी शरा नमो का असर पायदार होने की शर्त पर अवाम तक पहुँचेगा।